देखो भाई यहाँ पे देख सकते हैं भंडारे के चप्पल, ये सब सुबह की तैयारी में सो रहे हैं। अच्छा, कि यहीं से उठेंगे और यहीं से दर्शन। आ जाओ, ये बोलो पहुँच। कैसा, कहाँ से आए हो आप लोग? जबलपुर के हो भाई? देखो ये श्रद्धा, देखो भाई श्रद्धा यहाँ पर जबल। जय श्री राम। तो गाइस फिर से आप पहुंचे गए हैं कहां? फिर से वही पनागर में जहां पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आए हुए हैं। और भाई आज हमारे साथ कौन आया है? भाई तिवारी जी आए हुए हैं। ये है तिवारी जी, और तिवारी जी के साथ उनके छोटे वाले भाई जो कि फुल नजर लग जाएगी। तो एक्चुअली देखो हम आए यहाँ पर क्यों है आपको बताने के लिए। क्या यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर देख सकते हैं भंडारे के डोने पड़े हैं। भंडारे के डोने, जैसे भंडारे के डोने होते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पर चप्पल भाई डली हुई है। देखो चप्पल ही चप्पल भाई। एक्चुअली हम दिखाने के आए थे ये भाई, जिस जगह पर मॉर्निंग पर, मतलब मॉर्निंग हो या दोपहर हो, वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। और वहाँ पे देखो रात को किस तरीके से माहौल है। देखो ये है कुछ इस तरीके से माहौल, और भाई पूरा खाली है, पूरा पंडाल पूरा खाली है। भाई रात का तो पंडाल खाली रहेगा ना, क्योंकि शास्त्री जी आ चुके हैं। भाई ये सलामी अभी बहुत सारे सलामी है। यहाँ पे देखो भाई अभी भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं साफ सफाई, और जो जो बैरिकेड है पूरी बैरिकेड तहस महस कर दी है पूरी पब्लिक ऑन है। ये पूरा चल रहा है, पूरा काम है यहाँ पर भाई। वेल डन भाई, लगे रहो। हेलो, यहाँ पर देखो यार, मतलब की पूरी पब्लिक जो ये जो सो रहे हैं ना, जो ये सब सुबह की तैयारी में सो रहे हैं। अच्छा, कि यहीं से उठेंगे और यहीं से दर्शन। वही दर्शन पास आस्ती की, पास आस्ती की ना है तो बिना पास के और बिना ना है तो भाई यही होने वाला है। यहाँ पर वीआईपी लोग बैठते हैं, और वो है सामने जो कुछ दोपहर में और शाम को सुबह सब यहीं बैठते हैं शास्त्री जी सामने। ये पवन पुत्र, ये भागे आ जाओ, ये बोलो पहुँच। ये तिवारी जी कहाँ गए? पेट बीच में जाएगा, सही बात है। तो गाइस देखो अब यहाँ पूरी पब्लिक सोने की तैयारी कर रही है और सो रहे हैं पूरे। डल्ले वल्लभ लेकर देखो वहाँ पे डल्ले पूरे इकट्ठा कर दिए रहे भाई। कहाँ से आए पहले इधर आओ, इधर कहाँ से आए हो? मैं पनागर से। पनागर ही यही क्यों यही सो रहे हो? नहीं नहीं सो नहीं रहे भाई यार, वो समाज सेवा थोड़ा बहुत। अरे यार समाज सेवा कर रहे हो यार, सीरियस मत हो यार। नहीं सीरियस ये पब्लिक अपने जो सो रही है कहाँ से आई होगी? ये अपनी जो पब्लिक है बाहर की है, यहाँ की नहीं है। क्या है, जगह नहीं है सोने की, अपने रेस्टोरेंट है नहीं, तो उस हिसाब से लोग यहीं सो रहे हैं और सुबह दर्शन करेंगे। तुम्हारा कहने का मतलब पनागर का नाम उठ चुका है तो यहाँ पर रेस्टोरेंट बननी चाहिए। बननी चाहिए, वो मैं खोलूंगा बाईपास में। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। क्या बात है भाई, अरे क्या नाम है? साहिल पटेल। साहिल पटेल, अरे पटेल 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 साहब मिल रहे हैं। तो भाई ये देखो अपना कौन सा चैनल है? जेबीपी स्काई ब्लॉग। जेबीपी स्काई ब्लॉग बोलो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और फॉलो करो एसपीएम और साहिल पटेल। जेबीपी स्काई ब्लॉग ये भाई, तो भाई देखो रात को भी ना वो जो जुनून होता है ना वो खत्म नहीं होना चाहिए। तो रात का माहौल, रात का माहौल भी बहुत शानदार रहता, तो इसलिए हम आ गए भाई। आप जो सामने देख रहे हैं ना शास्त्री जी वहाँ बैठते हैं, वहीं बैठते हैं शास्त्री जी, और दिव्य दरबार को नीचे वाली जो चेयर है ना उसमें बैठते हैं। तो भाई ये सामने है कुछ इस तरीके से माहौल है, और माहौल तो भाई इनने पूरा बना के रखा है। देखो वहाँ पे, देखो वहाँ पे, देखो वो डल्लभ के लिए किस तरीके से वहाँ पे जूझ रहे हैं लोग। डल्लभ जिसके पास होगा वो आराम से सो पाएगा। तो गाइस देखो यहाँ पर जिस जगह हम लोग सब खड़े हुए ना, यहाँ पर दोपहर में आने के लिए लोग मतलब भाई क्या बोलते हैं, अब आ ही नहीं पाते। क्यों भाई? मतलब कि यहाँ पे ना पूरे डल्ले मतलब लगे हुए थे, वो वीवीआईपी है यहाँ पर, पूरा माहौल पूरा वीवीआईपी है। देखो दिन में तो भीड़ रहती ही रहती है, पर रात में किस तरीके से भीड़ है यार, बहुत भीड़ है अभी भी यहाँ पे। देखो वो पूरी पब्लिक वहाँ सामने, वो सामने जो है ना, जो सामने वहाँ पर खड़े होकर बेहतरीन दर्शन कर रहे हैं। कि भाई देखो दिन में तो कर नहीं पाते अच्छे से दर्शन, इसलिए सोचे कि भाई उनका जहाँ पर स्थान है बैठने का वहीं से कर लें। तो पूरी पब्लिक ये देखो, और यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से लोग यहाँ पर सो रहे हैं। तुम्हारे रेस्टोरेंट समाज सेवा कर रहे हैं यार, चल रहा है ना अपन, अभी भंडारा खिला देंगे ना तुम करोगे तो। अरे चलो चलो, उपास हो तो, उपास हो तो, उपास हो तो केला फरा, केला खवा रहे।
समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? नहीं सही बात है, अच्छी बात है। गलत बोले। नहीं सही बात। अपन कहाँ गए? यार रांझी। रांझी? बड़ा मन यार ससुराल है यार हमारी यार। कैसी बात? हमारी ससुराल वहाँ है, हमारी ससुराल यहाँ पर है। अरे अरे तुम तो साडू भाई हुए। साडू भाई, साडू भाई। एक बार आ रहा। अरे नहीं ये साले हैं। हम ब्लॉग बनाना चालू किए थे समाज सेवक वाले भाई साहब, देखो वो बोल रहे हम भी ब्लॉग में आएंगे, पूरा घूमेंगे और हेल्प करेंगे आपकी। तो अभी ऐसा है ना कि भाई चलो बाहर चलते हैं, यहाँ पे क्या चल रही है? रामलीला। रामलीला देखने चलते हैं। अभी भी देख रहा है, पूरा रैली पे रैली इस तरह से चलना पड़ रहा है, भीड़ इतनी ज्यादा है। कितना बज गया अभी? वही 11:30 बज रहे होंगे। 11 बज रहे हैं क्या? 11:30 11:30 होगा। उसके बाद देखने के लिए खाना जहाँ बनता है वहाँ जाएंगे, पर खाना खाने के बाद कहाँ बचता है वो हमने आपको दिखा दिया। अब खाना कहाँ बनता है और क्या दिखता है रात को? भाई दिन में तो बढ़िया रहता है, पर रात को किस तरीके से रहता है हम आपको लेके चलते हैं वहाँ पर। चले तिवारी जी, बोलो जय बलराम चंद की, बोलो बागेश्वर धाम की। भाई यहाँ पे लग रहा है देख के कि यहाँ पे ना दशहरा चल रहा है, अलग ही माहौल है। लग रहा है 12 बजे है भाई, अलग ही माहौल है यार, अलग ही माहौल है। तो देखिए भाई अभी आ चुके हैं भोजनशाला में और पूरा सुनसान, पूरा सपाट माखा के चले गए हैं, वहाँ जाके सब पचाए हैं। और यहाँ पे देखो किस तरीके से ये दिखाने आए हैं अपन। यहाँ पे देखो रात को किस तरीके से रहता है माहौल, और यहाँ पर देखो पूरे सो रहे हैं, पूरी पब्लिक सो रही है, गाड़ी चला है, पूरी पब्लिक यहाँ पर सो रही है। अच्छा हुआ सुपर खाना पचाने लगी, अच्छा हुआ पूरी सुपर बाइक नहीं है, नहीं तो हाँ हाँ करते। जय श्री राम। कैसा कहाँ से आए हो आप लोग? जबलपुर के हो भाई? देखो ये श्रद्धा, देखो भाई श्रद्धा यहाँ पर जबलपुर होने के बाद भी और यही पर लोग सो रहे भाई, ये श्रद्धा। खाना खाए आप लोगों ने? खा लिए। कैसा लगा? और दर्शन हुए? अरे क्या बात है। चलिए भाई यहाँ पर नजारा कुछ इस तरीके से, भाई ट्रिपलिंग नहीं करना चाहिए, पर हम लोग ट्रिपलिंग कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हो आप? देखिए जबलपुर की एकता, ये जबलपुर की एकता भाई। भाई इंदु तिवारी जी ने, इंदु तिवारी जी ने जो खर्चा किए वो देख रहा भाई, कितना भव्य प्रोग्राम। और जो शास्त्री जी आए वो तो भाई बोल रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है भाई, इतनी ज्यादा पब्लिक कभी नहीं आई उनके प्रोग्राम में भाई। जैसे फोटो खिंचवाने के लिए जैसे ही पता चला कि भाई फोटो खिंचवा रहे हो काई से कैमरे से, भाई क्या आई लव पलांगड़ में ये भी आ गए भाई। क्या चेहरे की स्माइल देखो, चेहरे की स्माइल तो देखो। देखो हम लोग चाय पीने आए थे ना, एक्चुअली क्या हुआ ना पानी की बोतल ले ली, हम लोग पास पैसे दिए नहीं। अच्छा हुआ हम लोग पास 10 रुपए कैश रखे थे, वो भी इनके पास रखे थे, वो तो अच्छा हुआ। भगवान है भाई, 10 रुपए का भगवान है भगवान। हम लोग अच्छा हुआ हम लोग को चाय पीना है, पर हम लोग कैश लेके आए नहीं है और ऑनलाइन ले नहीं रहे, दिक्कत हो गई। बड़ा टपरा देखना पड़ेगा जहाँ ऑनलाइन फोन पे ले रहे हैं ना, पेटीएम पर जीपे तो ले यार, जीपे में नहीं ले रहे, मतलब जीपे का मतलब जीपे का मतलब समझ गए होंगे जीपे का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? तो फाइनली हम लोग को जीपे मतलब कि वो फोन पे वाले मिल गए, गलती ऑनलाइन पेमेंट वाले हम लोग को मिल गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग सोच लिए थे भाई अगर चाय नहीं मिलेगी ना तो सुबह तक पकेंगे, सुबह तक सुबह चाय पीके चाय पी के जाते हैं। सही है भाई यार, टंकर टंकर इधर जगह ही सही का है। अरे ये सही है यार, कलाकार तो जैसे ये कलाकार है, एक कलाकार ये जग वाले। तो भाई फाइनली चाय मिल गई है। हेलो भाई, अरे ऊपर 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 नीचे। चेयर्स भाई।
हाँ भाई इतनी रात को अभी एक नंबर चाय है यार। बड़े भाई कहाँ है चाय वाले, कौन है? नंबर की चाय बनी है, कसम बता रहा है यार, एक नंबर की चाय दे बच्चे भाई। स्माइल बहुत प्यारी चाय है, बहुत मजा आ गया चाय, बहुत प्यारी चाय बनाई। कितने रुपए की? 10 रुपए की ना? हाँ बहुत सही है। 10 रुपए में क्या चाहिए? इलायची और अदरक सब मिला है। कब भी बड़ा है, कब भी बड़ा है। और बोले तुमने तुमने जो होती ना वो नहीं है, बड़ा है और मजा आ गया। देखे बहुत बड़ा है। अच्छा ये बताओ हमें, यहाँ पर रोजाना कितने लोग आते हैं? कितने? 12 लाख। आज 12 लाख होगी? नहीं, अरे पब्लिक पंडाल पंडाल की बात कर रहे हैं। बहुत रही यार, नहीं 10 लाख का तो पंडाल बोल रहे हैं। 10 लाख आज, हाँ 10 से 12 लाख पब्लिक रही है। भाई दरबार रहा है हाँ, पूरा पूरा पूरा। देखो भाई चाय पिए ही रहे थे, चाय पीने के साथ साथ हम लोग मोहल्ले के और भी पूरी कार ही कार आ गई। देखो आयुष लोग भी आ गए, भाई भी आ गया, और ये वो कार में आ गई छोटी वाली। और भाई सुनने में आया कि यार यहाँ पे अंकित भाई लोग भी आए हैं, और ये भाई साहब ये पूरी पब्लिक, पूरी राजी सर्रा पीपल की ना, पूरी पब्लिक यहीं आ गई है भाई साहब। सीताराम, चलो भाई जब ब्लॉग को भी एंड करते हैं, क्योंकि भाई देखो ब्लॉग भी लंबा ना हो और आप लोगों को मजा आना चाहिए। और रात को कुछ ऐसा नजारा था, तो हम मिलते हैं ऐसे ब्लॉग में जब तक कि जन्म मातरम। और जो कल का जो ब्लॉग नेक्स्ट वाला ब्लॉग जो आने वाला है, हम आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाने वाले हैं, और वहाँ पर एक्चुअली क्या है ना कि जो एक जो मूर्ति है, प्रतिमा है, वो गाँव के बीचों बीच है और जंगल के बीचों बीच है, तो वहाँ पर लेके चलेंगे। तो वो सब देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं ऐसे ब्लॉग में, जब तक जैन बंदे मातरम। हर महादेव भाई गाड़ी आगे कर लो, मैं ब्लॉगिंग कर रहा था ना, तो भाई गाड़ी आगे बढ़ा नहीं पा रहे। चलो ठीक है, मिलते हैं।